हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज आपको हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में बताएंगे और इसके बाद फिर हम लोग क्रम से जो है शुरू करेंगे, पाठ्यक्रम की विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे और फिर उस पर अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम होगा और सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है यूपीएससी का, क्योंकि अगर मुझे 330 प्लस अगर आपको रिजल्ट लाना है तो जान लीजिए कि आपको निश्चित रूप से जो है हिंदी साहित्य के सिलेबस को विधिवत पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर किस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यूपीएससी के सिलेबस में। हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, उसमें प्रश्न पत्र फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट में, प्रथम प्रश्न पत्र में आपका खंड क जो है, खंड क को कहा जाता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। खंड क में जो है आपके क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें हैं, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं। दूसरा इसका पार्ट है मध्य काल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसके अगला क्या है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो अमीर खुसरो के बारे में, उनकी पहेलियां क्या है, उनकी भाषा क्या थी, उनका खड़ी बोली में क्या योगदान है। इसके बाद संत साहित्य आएगा। संत साहित्य में आप पढ़ेंगे, संत साहित्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के, भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को प्रायः क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। इसके बाद रहीम दास जी हैं, इनका पूरा नाम था रहीम दास खान खाना, और रहीम दास की कविताएं और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। और इसके बाद दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी से हर साल प्रश्न आता है, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। दक्षिणी हिंदी की शुरुआत जो है, जब दिल्ली सल्तनत के राजा तुगलक वंशी राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद किया, तो यहाँ के पदाधिकारी जब दौलताबाद गए, तो दौलताबाद जब गए तो अपने साथ इन्होंने हिंदी लेकर गए, वहां काम काज करने लगे, तो वहां के लोगों ने इसी हिंदी को सीखने का प्रयत्न किया और वही आपके खड़ी बोली, मतलब खड़ी बोली का विकृत रूप या प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, उसी को दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अगला है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ, क्या कोई स्वतंत्रता आंदोलन होता है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आपका स्वतंत्रता आंदोलन होता है और जनभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया, हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं छपी जाने लगी, तो ये जो है इसमें शुरू किया गया। इसके बाद आता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, हिंदी भाषा में कौन कौन शब्द किसके रूप में बोले जाएंगे, किन किन रूपों में इनकी चर्चा करनी है, इन सभी बातों को जो है इसमें सिलेबस में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। आप जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन भारत में 1857 की क्रांति से ही प्रारंभ हो जाता है। 1857 की क्रांति से 1947 तक कुल मिलाकर लगभग 200 वर्ष तक हम आंदोलनरत रहे, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में और 8वीं अनुसूची में इनकी चर्चा की गई, किसमें, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इनकी चर्चा की गई।
हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। अगला आपका पाठ्यक्रम जो है वह है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। ऐसे जो है प्रश्न आ जाता है। और हिंदी की प्रमुख बोलियां, जैसे हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, इन सभी के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली का विकास देखते हैं। इसमें तकनीकी विकास किस तरह से हुआ इसको देखते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर क्या संबंध है, जैसे जो भाषा बोली गई उसका दूसरी भाषा से क्या संबंध है, इस तरह से भी हम इसका इसको पढ़ते हैं और इससे भी प्रश्न उत्तर आते हैं। इससे अब 12 के अंदर तकनीकी विकास होता है, भाषा की समझ विकसित होती है। अगले सिलेबस के क्रम में अगली कड़ी देखिए, अगला है आपका नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, आखिर देवनागरी लिपि की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप क्या है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। खंड ख इसका जो है प्रश्न पत्र संख्या एक का खंड ख है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम गार्सा द तासी नामक फ्रेंच विद्वान ने लिखा, इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद जो है इसकी वैज्ञानिक व्याख्यान कवियों ने भी इस पर लेखन कार्य किया है, लेकिन आपको बता दें इस पर वैज्ञानिक व्याख्या अगर किसी व्यक्ति ने किया तो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किया इस पर। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित चार कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, चार काल कौन कौन से हैं? आदिकाल में ही आता है नाथ सिद्ध साहित्य, खुसरो साहित्य, रासो साहित्य, प्रमुख कवि चंदवरदाई, खुसरो हेमचंद और विद्यापति को पढ़ते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा और सबसे प्रमाणित जो है अगर कुछ प्रतीत होता तो यही सही लगता है कि इसका नाम आदिकाल ही होना चाहिए। अब आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति धारा, प्रमुख कवि इसमें कबीर, जायसी, सूर और तुलसीदास। आप जान लीजिए कि इसके स्तंभ हैं ज्ञाना, जो भक्ति काल है जिसे हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहा गया है, और ये स्वर्ण काल के चार पार्ट हैं। पहले दो पार्ट इसके प्रमुख होंगे निर्गुण और सगुण, और इसके बाद निर्गुण के दो पार्ट हैं ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, जबकि सगुण के भी दो पार्ट हैं, और इसके जो उसमें जो है क्या क्या है, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। प्रमुख कवि जो है इसमें है केशव, बिहारी पद्माकर और घनानंद। बिहारी पद्माकर और घनानंद इसके प्रमुख कवि हैं। आधुनिक हिंदी में अगर बात करें आधुनिक हिंदी में तो निश्चित रूप से वो जो है कौन कौन से कवि हैं इसमें उसकी बात करेंगे, कौन कौन से कवि हैं इसके, तो इसमें अगर बात करें तो प्रमुख कवि
जो हैं रीतिकाल में प्रमुख कवि जो हैं वो हैं आपके रीत काव्य, रीतिबद्ध, रीतमुक्त, रीतकाव्य हैं। इसमें प्रमुख कवि हैं केशव, बिहारी, पद्माकर और घना नंद। आधुनिक काल की बात करें इसको नवजागरण काल, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, इनके बारे में विशेष रूप से आप अध्ययन करना है। अगला आपका है, पाठ्यक्रम में शामिल है, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, जिसमें आपको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नव समकालीन कविता और जनवादी कविता, इतनी कविताएं हैं। इसके प्रमुख कवि मैथिल शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय, गजानन, माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, इनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ हैं और चारों स्तंभ में आपको बता दें प्रसाद, पंत, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा निराला, ये प्रमुख कवि हैं इसके और ये स्तंभ माने जाते हैं, इनको पढ़ना है आपको। कथा साहित्य में देखा जाए उपन्यास और यथार्थवाद, उपन्यास और यथार्थवाद, इसको पढ़ना है। दूसरा है हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, पाठ्यक्रम में आपके शामिल है। प्रमुख उपन्यासकारों में, प्रमुख उपन्यासकारों में आपके पढ़ने हैं प्रेमचंद, जैसा कि जानते हैं प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी, ये शामिल हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है। प्रमुख कहानीकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय को पढ़ना है, मोहन राकेश को पढ़ना है, कृष्णा सोबती को पढ़ना है, जो एकमात्र जो है महिला कहानीकार यहाँ पर हैं। अब आपका आता है नाटक, नाटक, नाटक में आपको प्रमुख नाटक पढ़ने हैं, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और जगदीश चंद्र माथुर, राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश, और यहां पर हिंदी रंगमंच का विकास, ये जो है आपको पढ़ने हैं। अब आपका शुरू होता प्रश्न पत्र दो। प्रश्न पत्र दो जो है सिलेबस और पाठ्यक्रम के अनुसार थोड़ा बड़ा है और इसको पढ़ना ये ज्यादा रोचक है, ठीक है, लेकिन नंबर सेकेंड प्रश्न पत्र में, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र में थोड़े कम मिलते हैं फर्स्ट पेपर की अपेक्षा, तो ये थोड़ा सा अलग है। इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। तो खंड क इसका क्या क्या है, कबीर ग्रंथावली आरंभिक 100 पद, आरंभिक 100 पद जो है कबीर ग्रंथावली से हैं। इसके संपादक होंगे श्याम सुंदर दास। जब आप किताब खरीदने जाएंगे तो यह ध्यान देंगे कि कबीर ग्रंथावली जो आप पढ़ रहे हैं उसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं या नहीं,
जो जिसके श्याम सुंदर दास होंगे वही आपको क्या करना है, लेना है। इसके बाद आपका है दूसरा है सूरदास का भ्रमर गीत सार, आरंभिक सौ पद है इसमें और इसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद तुलसीदास का रामचरित मानस, सुंदरकांड, कवितावली और उत्तरकांड। अगला है जायसी, जायसी का पद्मावत, सिंघल दीप खंड और नागमती वियोग खंड। इसके संपादक भी श्याम सुंदर दास हैं। अगला है बिहारी, बिहारी रत्नाकर, आरंभिक सौ पद। इसके संपादक है जगन्नाथ रत्नाकर जी। मैथिली शरण गुप्त का है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त का है भारत भारती। जयशंकर प्रसाद का है कामायनी, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इन 15 सर्गों में से केवल आपको दो सर्ग पढ़ना, एक पढ़ना चिंता और दूसरा पढ़ना है श्रद्धा सर्ग। इसके बाद आपके अगले जो कवि हैं पाठ्यक्रम में निराला, निराला इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पूरा नाम था, महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य में ये सबसे विद्रोही कवियों में गिने जाते हैं। राग विराग, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। राग विराग इनका जो संग्रह है उसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता दो जो है इसमें शामिल है। और इसके भी संपादक कौन है? राम विलास शर्मा जी हैं। और इसको आपको पढ़ना है। अगले हैं आपके कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है। आगे का है आगन के पार द्वार से असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा से व्याख्या और जो है वो भी आता है। इन सभी जितने भी कवि हैं इनसे जो है आपको व्याख्या और वो दोनों चीजें मिलेंगी, व्याख्या मिलेगा और प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। अगले कवि हैं आपके मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का है ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध का क्या है? ब्रह्म राक्षस है और ब्रह्म राक्षस से भी व्याख्या और प्रश्न उत्तर आते हैं। अगले हैं आपके जो कवि हैं प्रमुख, बादल को घिरते देखा, तो समझ ही गए होंगे बादल को घिरते देखा, तो ये कौन है? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, ये तीन कविताएं इनकी शामिल हैं जिसमें आपको बता दे बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। खंड ख इसका जो है, खंड ख में जो हम पढ़ते हैं खंड ख, खंड ख में क्या क्या है? भारतेंदु, भारत दुर्दशा, भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा, ये क्या है? नाटक है। ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसे व्याख्या भी आती है और प्रश्न उत्तर भी आते हैं। मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन, ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन नहीं, ये नाटक है, ये भी आषाढ़ का एक दिन नाटक है। और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग एक, कविता क्या है? श्रद्धा भक्ति। निबंध निलय आपके पाठ्यक्रम में शामिल है जिसके संपादक हैं डॉक्टर सत्येंद्र, और इसमें हैं बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा, आज्ञे कुबेर नाथ राय। बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये, वो निबंधकार हैं। प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद का गोदान, गोदान जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम रचना मानी जाती है। और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं जिसके संपादक हैं अमृत राय और प्रताप नारायण मिश्र की कहानियां भी इसमें शामिल हैं। अगला आपका है आलोचना साहित्य है पाठ्यक्रम में, आलोचना साहित्य। आलोचना में प्रमुख रूप से आपको जो पढ़ना है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास,
सैद्धांतिक व्यवहारिक प्रगतिवादी मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि आलोचना अगर करेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना पड़ेगा। हजार प्रसाद द्विवेदी भी है, मनोविश्लेषणात्मक जो है मनोविश्लेषणवादी जो आलोचक है उनके बारे में पढ़ना। प्रमुख आलोचक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र जो है आधुनिक हैं। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में ललित निबंध क्या है इसके बारे में पढ़ना है, रेखाचित्र क्या है, संस्मरण क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, ये सभी क्या हैं, विधाएं हैं। क्या हैं? विधाएं हैं। ललित निबंध की शुरुआत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से होता है। किससे? हजारी प्रसाद द्विवेदी से होता है। रेखाचित्र समझ सकते हैं, रेखाचित्र और संस्मरण दोनों महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा से क्वेश्चन भी आता है। यात्रा वृत्तांत समझ रहे हैं, सरयू पार की यात्रा से शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसमें विशेष रूप से पढ़ना है और मोहन राकेश का आखिरी चट्टान है जैसी यात्रा वृत्तांत भी पढ़ना है। और इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको किसके बारे में, राहु सकृत्यायन के बारे में। अगला है आपका नाटक है स्कंद गुप्त, पाठ्यक्रम में है। यशपाल का दिव्या है, ये उपन्यास है, पाठ्यक्रम में है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल भी आपके पाठ्यक्रम में है। फणीश्वरनाथ रेणु का भी मैला आंचल आपके पाठ्यक्रम में है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज, ये भी शामिल है। महाभोज जो है पाकिस्तान और भारत के बंटवारे पर लिखा गया उपन्यास है। राजेंद्र यादव एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियां शामिल हैं, इसके जो जो लेखक है उनकी कहानियां इसमें शामिल है। आपको बता दें ये आपका यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस अगर मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपी पीसीएस में रखा है तो यूपी पीसीएस में भी ये सिलेबस लगभग सेम है, कुछ चीजें ही परिवर्तित हैं जिनकी व्याख्या जो है हम बाद में करेंगे और बताएंगे क्या क्या चीजें यूपी पीसीएस में आईएएस से भिन्न है, क्योंकि हम अभी यूपी पीसीएस का पेपर मतलब सिलेबस देख रहे हैं। अगली कड़ी में हम यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, दोनों एक दिन करेंगे यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, और ये बताएंगे कौन कौन सी चीजें यूपी पीसीएस और यूपीएससी और यूपी पीसीएस में सेम है और कौन इससे अलग है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और हमारे साथ आप बने रहिए। आपको जो है ये स्लाइड की जो वीडियो होती है आपको हमेशा 6 बजे मिलेगी और 6 बजे जो है आपके हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम होगा जो यूट्यूब चैनल पर हमारे मिलेगा। पोर्टल पर पेड क्लासेस चलेगी, वो आपको अगर ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।